हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाम के नाश्ते में चिकन स्नैक। तो चिकन स्नैक के लिए सबसे पहले देखिए, आधा किलो चिकन है। चिकन को अच्छे से धो के साफ कर लेना है। इसमें देखिए, दो अंडा जरूरी है, अंडे से ये बनता है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास सत्तू था, इसमें सब तरह का मतलब अनाज गया हुआ है। तो आप सत्तू भी ले सकते हैं, मकई का आटा भी ले सकते हैं, बेसन में भी बना सकते हैं। तो ये कम से कम 50 ग्राम से ज़्यादा है। और मसाले में देख लीजिए, 2 चम्मच सूखी मिर्ची पाउडर है, 1 छोटा चम्मच से काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, और 2 चम्मच भर के व्हाइट नमक है। और यहाँ पर देखिए, गरम मसाला 2 चम्मच है, और 1 चम्मच भर के ये धनिया पाउडर घर का पिसा हुआ है। यहाँ पर देखिए हल्दी है, और ये देखिए चिकन का मसाला है। सबसे पहले हम इसमें अंडा को हम फोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए अंडा फोड़ के हो चुका है। यहाँ पर हम हल्दी ले लेंगे, थोड़ा सा पीला पीला होने के लिए। मसाला है, मसाला ले लेंगे, मटन का मसाला है। अब ये भी मसाला ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। आधा लेंगे इसमें से। ये सत्तू है, और यहाँ देखिए नमक है, सूखी मिर्ची है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च। अब इसको हम सब साथ में मिला करके मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद में हम इसको तलेंगे तेल में। तो आप ये दाल चावल के साथ खा सकते हैं, इसे खा सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। आपके पास कोई कलर है तो कलर भी ऐड कर दीजिए, अगर पसंद है तो कलर भी ले लीजिए। तो देखिए, आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करके आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहू बोलती कि थोड़ा सा कलर डालो, तो थोड़ी सी हम देखिए रानी कलर है, इसमें से हल्का सा हम कलर ले लेंगे, थोड़ा शाइनिंग के लिए, ज़रा अच्छा दिखता है। तो देखिए थोड़ा मिला लेंगे पानी से। देखिए कितना लाल कलर है, रानी कलर है। तो देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है चिकन स्नैक के लिए। इस तरह से देखिए तैयार कर लीजिए। अब हम 10 मिनट के बाद बनाएंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो देखिए चिकन स्नैक के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कौन से भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तेल ऐड कर देंगे, तेल कम से कम 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे। और बच जाएगा तो मैं इसमें सालन बनाऊँगी बचे हुए तेल में। यहाँ पर चेक कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम होता है, अभी तेल गरम नहीं हुआ, थोड़ा और गरम होगा तो ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो देखिए तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है, और तो इसमें ऐड करेंगे। देखिए अब हम पलट लेंगे। और इसमें चिकन स्नैक में सिर्फ मकई का भी आटा जाता है, लेकिन आपके पास नहीं तो बेसन में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पड़ो पर वही चीज़ बननी चाहिए। तो गर्मा गर्म देखिए चिकन स्नैक एक घानी बन के हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए जो चिकन स्नैक का मसाला में बनाई थी, इसमें से थोड़ा बचने वाला है। तो इसमें क्या कीजिए, अगर से बच जाए ना तो आप क्या कीजिए, आलू है आपके पास तो आलू का, नहीं तो बैंगन का उसमें भजिया तल लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और एक बार ये वाली रेसिपी बना करके देखिए, और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। आपा परदेसिया से जाए परदेसिया, आपा परदेसिया से जाए परदेसिया, तोहरी अमीरी देखी तोहरी गरीबी देखी, तोहरी अमीरी देखी तोहरी गरीबी देखी, बारे बारे जियारा लल चाहे परदेसिया, बारे बारे जियारा लल चाहे परदेसिया। तो यहाँ पर देखिए सभी स्नैक बन के तैयार हो चुका है गरम गरम, और अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आलू है, आलू को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया आलू का भजिया, मतलब बिहारी भाषा में तरुआ बोलते हैं, यहाँ के भाषा में, मुंबई के भाषा में भजिया बोलते हैं, मराठी मधी भज्जी बोलतो।
तो देखिए पहले घानी हो चुका है, भजिया भी बन के हो गया है। ये देखिए दूसरी घानी ऐड कर दी हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास दो आलू काटी हूँ, तो इसके लिए मुझे सालन पकाना है घर के लिए, तो इसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो गरम गरम देखिए चिकन स्नैक बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से मतलब बनाइए, खाइए, खुश रहिए आप भी। और हम थोड़ा सा हम सजा लेंगे। तो धनिया देखिए अभी फिलहाल मुंबई में धनिया बहुत महंगा है और मिल भी नहीं रहा है, और पीला पीला आ रहा है मतलब। तो देखिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान।